जो स्टूडेंट सेम ही मीडियम में होते हैं उनको लिखने में दिक्कत आती है, और इंग्लिश के जैसे सब्जेक्ट में भी तूने 94 मार्क्स स्कोर किए हैं सेम ही मीडियम से होके भी। इतना एंजॉय किया है जितना मैंने पूरे 9 क्लास नहीं किए होंगे, उतना सबसे ज्यादा एंजॉय मैंने 10th में किया। और हमारा जो चैनल है उसके नेम ने मुझे अट्रैक्ट किया। पहले तो वो भैया लिखा था, वो इतना लाइक इतना अच्छा लगा वो, इसलिए मैंने वीडियो देखा। सर इनको तो आंसर मेरे SST के मार्क्स देख के, 98 देख के समझ ही आना चाहिए कि हाँ अरे डेफिनेटली सर जो बताते हैं वही आता है क्वेश्चन में। और वरना मेरा स्नैपचैट एनी टाइम ऑन था 10th में, इंस्टा तो हर मैं टाइम अभी वो भी यूज नहीं करती। पढ़ाई की तो स्नैप डाल दिया, पढ़ाई की तो स्नैप डाल दिया है। हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला था कि एक टॉपर का इंटरव्यू मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा, और मेरी ही एक स्टूडेंट है, जैसे आप सभी लालाज और लालीज हो उसी प्रकार से, राधा चिंतावर बोल के है इनका नाम। और स्टूडेंट्स, आपको हैरानी होनी चाहिए कि इन्होंने Best of 5 में जितने भी सब्जेक्ट्स है सभी सब्जेक्ट्स में 90+ मार्क्स इन्होंने स्कोर किया है, जिसमें अगर मैं बताऊं आपको तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 98 मार्क्स आउट ऑफ 100, सोशल स्टडीज में SST जिसको हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस कहते हैं 98 मार्क्स आउट ऑफ 100, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो हम हमारा अलजेब्रा और अलजेब्रा ज्योमेट्री होता है उसमें 97 मार्क्स शी हैज स्कोर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मार्क्स नहीं मिलते, बट शी हैज सिक्योर्ड अराउंड 94 मार्क्स इन इंग्लिश, एंड 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 हिंदी सब्जेक्ट में भी 91 मार्क्स मिले हैं। तो टोटल परसेंटेज इनका 98.60 हो रहा है, जो कि एक बहुत ही तगड़ा स्कोर होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं राधा से करने वाला हूँ, इनका नाम वैसे राधा है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इससे करने वाला हूँ और इससे जरूर आपको बहुत हेल्प होने वाली है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो राधा, ओवर टू यू। पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे अपने जूनियर्स को। हाँ, तो मैं राधा चिंतावार करेंटली स्टडिंग इन 11th क्लास साइंस स्ट्रीम से हूँ मैं। और मैंने मेरे जितने भी मार्क्स है लैंग्वेज के, उनका पूरा क्रेडिट मैं अजय भैया को देना चाहूंगी, क्योंकि उनके वजह से ही मेरे लैंग्वेजेस में इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। चलो ग्रेट। राधा, अभी तेरे से कुछ क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू होने वाला है, एंड बहुत ज्यादा रैंडम क्वेश्चंस होंगे जो कि आज के पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती है उस बेसिस पे, एंड आई रियली होप कि तेरे जो आंसर्स होंगे ये जो मेरे लालाज और लालीज है जो इस बैच के हैं उनके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। और हाँ, मेरे लालाज और लालीज जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, भाई अगले साल तुम्हारा भी इंटरव्यू आपके भैया लेंगे, तो अच्छी तगड़ी मेहनत करो। और स्टेट बोर्ड वाले भैया, जो अपना जो प्यारा सा चैनल है छोटा सा, उस चैनल पे आपका इंटरव्यू भी जरूर आएगा। सबसे पहले राधा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भैया टॉपर वही होते हैं जो बचपन से टॉपर होते हैं, तो क्या तू बचपन से ही, मतलब तेरे को इसी प्रकार के मार्क्स आते थे, या फिर कुछ 9th और 10th में कुछ ऐसे चीज हुई जिससे तू एक शिफ्ट हो गई? आई वुड नॉट से बचपन से सर, बट हाँ 5th क्लास से मैं टॉपर थी। एक्चुअली 5th से पहले मुझे स्टडीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लाइक स्कूल जाना नहीं, एकदम नॉर्मल बच्चों जैसा। बट एक बार क्या हुआ, 5th में मैं फर्स्ट आई, तो फिर अच्छा, ठान लिया कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। और फिर स्कूल के एंड तक मैंने अपनी फर्स्ट रैंक नहीं छोड़ी। फर्स्ट रैंक नहीं छोड़ी, मतलब स्कूल में तू 5th स्टैंडर्ड से फर्स्ट ही आती गई थी। यस सर। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उसके बाद राधा, और एक क्वेश्चन कि बच्चों को लगता है कि ये 2 महीने में भी मतलब 2 महीने में पढ़ाई करके शायद उतना स्कोर नहीं कर पाए, मतलब मैं कर पाऊंगा मैं कर पाऊंगी, तुझे क्या लगता है कि 2 महीने के अंदर भी अगर कोई शिद्दत से पढ़ाई करे और भैया के स्ट्रेटेजीज वगैरह फॉलो करे और बहुत सारी चीजें करे, तो क्या वो 90+ स्कोर कर सकते? पहले तो ये उनका जो भी डाउट है वो क्लियर कर दे। यस सर, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाए और इस 2 मंथ्स में नहीं पढ़ा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ग्रेट, एक 2 मंथ्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने साल भर पढ़ लिया और अब सोच रहा है कि मेरा सब कुछ हो गया है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, तो फिर हो गया, फिर कोई कुछ मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि एक 2 मंथ्स में जो सबसे ज्यादा पढ़ेगा उसके ही मार्क्स आएंगे। मतलब स्टार्टिंग में आप कितना पढ़ रहे हो वो मायने नहीं रखता है, फाइनल मैच में क्या होगा, फाइनल मतलब जो लास्ट के 2 महीने हमारे लिए होते हैं, वो 2 महीने में जो ज्यादा मेहनत कर लेगा उसका रैंक आ जाएगा।
यस ठीक सर, है, डेफिनेटली। तो जो भी मेरे जो हवा में उड़ने वाले लाला लोग हैं उनके लिए एक मैसेज है भाई, अगर आप पहले से पढ़ाई में हो तो थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो और रिवीजन करना शुरू कर दो। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज कि सिलेबस कब तक तूने कंप्लीट किया था। मतलब बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भैया हमारा अभी तक 20% ही सिलेबस हुआ है, हमारा 15% ही सिलेबस हुआ है, प्रीलिम्स चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं। वैसे प्रीलिम्स और प्रैक्टिकल्स पे भी मैं आऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कितना नहीं होता है, बट तुझे क्या लगता है कि कब तक बच्चों का सिलेबस हो जाना चाहिए और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए क्या सजेशन तू देना चाहेगी? सर, मेरा सिलेबस नवंबर के एंड तक हो गया था। एक्चुअली मेरे स्कूल में 5 प्री बोर्ड्स होते हैं, इसीलिए हमारे दिसंबर के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे थे, तो मेरा सिलेबस जल्दी हो गया था। और जिनका अभी तक नहीं हुआ, मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि जनवरी तक आपका हो ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको फेब्रुवरी में पूरी रिविजन ही करनी है। अगर तब तक नहीं हुआ तो 90+ लाना डिफिकल्ट है। अच्छा, लेकिन अभी अभी कोई कोई बच्चे होंगे यार जो अभी अभी नींद में से खुले होंगे और उनका बस एक ही सपना है कि यार कुछ भी करके 85 तक आ जाए, तो उनको तो क्या सजेशन देगी? मतलब क्या करना चाहिए उनको अभी से और कैसे आगे बढ़ना चाहिए ऐसा कुछ? सर, मैं सजेशन दूंगी उन्हें कि पहले तो वो जितना उनका सिलेबस हो चुका है कवर, उतने पर वो PYQs ट्राई करें, क्योंकि पीवाईक्यूज अगर मतलब सिलेबस पीवाईक्यूज बच्चों को नहीं समझता है, प्रीवियस पीवाईक्यूज मतलब ईयर्स क्वेश्चंस, तो अगर वो ट्राई करेंगे तो उनको समझ आएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि हमें किस तरह से पढ़ना है जो बचा हुआ है हमारा। तो आई थिंक वो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वरना वो अगर सिलेबस ही कंप्लीट करने में रह जाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, कैसे होते हैं। सो आई थिंक पहले उन्होंने ये करना चाहिए कि ग्रेट पहले पॉइंट। मतलब देखना। वेटेज देख के पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए जिससे उनको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से आगे बढ़े। राइट, यस सर, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा मुझे पूछा जा रहा है, भैया प्रैक्टिकल एग्जाम्स का बहुत टेंशन आ रहा है, भैया प्रीलिम्स का बहुत टेंशन आ रहा है। अभी इनको ही तू बता दे प्रैक्टिकल एग्जाम्स और प्रीलिम्स क्या होते हैं और सही में वो इतना वैल्यूएबल होते हैं या नहीं होते, तेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता दे विदाउट एनी फिल्टर। हाँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा था सर। मैं पहले तो बोलना चाहूंगी प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्कूल उनके स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल के मार्क्स कट नहीं करती एज फार आई नो, क्योंकि उनका रिजल्ट कम वो कभी नहीं आना चाहेगी। तो प्रैक्टिकल का टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मेरे एक्सपीरियंस से प्रीलिम्स जो है वो बोर्ड एग्जाम की तरह देनी चाहिए कि हाँ हमारी ये फाइनल एग्जाम है, क्योंकि उसमें जितने मार्क्स आएंगे, सपोज आपके प्रीलिम्स में 95% आए तो आपका रिजल्ट 95 के आसपास ही आएगा। ग्रेट। तो प्रीलिम्स थोड़े सीरियस होके ही देनी चाहिए। अच्छा मुझे बता तेरे प्रीलिम्स में परसेंटेज कितने थे लगभग लगभग? अभी तूने जैसे हमारे साथ शेयर किया कि तेरे प्रीलिम्स में 5 प्रीलिम्स हुए थे या फिर प्री बोर्ड्स हम बोलेंगे, तो उसमें से हाईएस्ट कितने थे तेरे प्रीलिम्स में और लोएस्ट कितने आए थे ऐसा कुछ परसेंटेज वाइज अगर याद होगा कुछ तेरे को तो? यस, मेरे मेरे आई थिंक मेरे सारे में सेम ही आए थे, 97, 98, 96 के आसपास ही थे वाह, सब में। और सबसे कम फर्स्ट प्रीलिम में आए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस या था और उसकी वजह से उसमें 96 थे, बाकी में 97+ ही थे। मतलब 95 के अबाव ही तेरा हर प्रीलिम्स में स्कोर आया था अगर मैं एवरेज पकड़ के चलूं। चलो ग्रेट। आफ्टर दैट सबसे मेन चीज, डाइजेस्ट तूने कौन से फॉलो किए थे, नोट्स तूने कौन से फॉलो किए थे, ऐसा कुछ इंडिविजुअल पब्लिकेशन है जो तुझे सही में हेल्पफुल गिरा था? वैसे सबको बता दूं भाई, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं किसी का, जो राधा ने फॉलो किया है, बस आपको मैं एक गाइडलाइन देने के लिए। और क्या सही में डाइजेस्ट मैटर करते हैं या फिर कोई भी पब्लिकेशन का डाइजेस्ट इस्तेमाल किया तो चलेगा, ये भी बता दे उनको। हाँ सर, मैंने इंग्लिश, मैथ, साइंस का कोई भी डाइजेस्ट यूज नहीं किया, वो ट्यूशन से क्लासेस से ही हो जाता था। और मैंने डाइजेस्ट मोस्टली यूज किया SST का, सोशल स्टडीज का, क्योंकि उसमें सच में डाइजेस्ट मैटर करता है। अगर आपको पब्लिकेशन डाइजेस्ट पब्लिकेशन कौन सा? नवनीत। नवनीत पब्लिकेशन, या ग्रेट यस। ग्रेट। हाँ, तो उसके जो स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चन है, मोस्टली वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो आई थिंक अगर आपको डाइजेस्ट फॉलो करना ही है तो आपको सिर्फ SST का करना है, बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। साइंस का कैसे स्टडी किया था तूने? मतलब साइंस का पूरे क्वेश्चन आंसर्स लर्न किए थे जो कि गलत बात है, या फिर कंसेप्ट समझ के आंसर लिखे तो भी मार्क मिलते हैं, ये भी बच्चों को एक बार बता दे।
हाँ तो सर मुझे पहले से ही साइंस का मैंने कभी रट्टा नहीं मारा, तो साइंस मेरा पहले से फेवरेट सब्जेक्ट था। और साइंस के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है और आपने अगर अपनी लैंग्वेज में मतलब अपनी इंग्लिश में अगर आपने आंसर लिखे तो कोई मार्क नहीं कट करता। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसे रट के नहीं गई एग्जाम में। स्टिल आई हैव 98% 98 मार्क्स, मार्क्स तो आई यस। डोंट थिंक कि आपको रट्टा मारना है और साइंस। गिव गिव रीजंस को भी तूने लर्न नहीं किया था या फिर गिव रीजंस लर्न किए थे? नो नहीं किए सर थे। कुछ ओके भी नहीं बोलते तो जैसा हमारे सामने जीता जागता एग्जांपल है भाई, साइंस को लर्न करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कंसेप्ट समझ चुके हैं और आपको आपके मन से लिखते आता है आंसर्स, इंग्लिश अच्छी होगी आपकी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे मैंने इसका इंग्लिश का भी पेपर देखा है तो मुझे पता है कि इसकी हैंडराइटिंग वगैरह कितनी मैटर करती है। और एक चीज, बोर्ड्स में बॉल पेन ही इस्तेमाल करना चाहिए तेरे एक्सपीरियंसेस से, और एट द सेम वे हैंडराइटिंग कौन सी होनी चाहिए? स्क्रिप्ट होनी चाहिए या कर्सिव होनी चाहिए या फिर कोई भी हो चलेगा, ऐसा क्या लगता है? सर। पेन तो मैटर नहीं करता, आप जो यूज करते हो पहले से वो ही करो, क्योंकि आपने 10th में पूरे जितने जिस पेन से आप लिखते आए हो उससे ही लिखना चाहिए। हैंड राइटिंग चेंज होती है, और हैंड राइटिंग मेरी कर्स्यू नहीं थी, मुझे कर्स्यू स्क्रिप्ट आती भी नहीं वैसे, और स्क्रिप्ट थी। मैं ये सजेस्ट करूंगी कर्स्यू नहीं लिखनी चाहिए, और नॉर्मली तेरा हैंड राइटिंग। प्योर, तेरा इंग्लिश मीडियम था या सेमी मीडियम था? हाँ मेरा सेम ही था सर। सेम ही था, बट स्टिल तूने साइंस में 98 गिरा है, मतलब भाई तगड़ा तूने पढ़ाई किया है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ जो स्टूडेंट सेमी मीडियम में होते हैं उनको लिखने में दिक्कत आती है, और इंग्लिश के जैसे सब्जेक्ट में भी तूने 94 मार्क्स स्कोर किए हैं सेमी मीडियम से होके भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेमी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, बट अगर किसी को लगता है कि भाई मैं सेमी मीडियम से हूँ, मैं सेमी मीडियम से हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे ढंग से लिखना नहीं आता है, तो आप इसका एग्जाम्पल एक देख सकते हो जो कि आपके सामने बैठी है। तो बहुत बढ़िया रहा था, मुझे सही में आज प्राउड फील हो रहा है तेरे पे। आफ्टर दैट, और एक चीज, प्रैक्टिस पेपर्स कौन से फॉलो किए थे और कौन से मंथ में तूने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना शुरू किए थे? प्रैक्टिस पेपर इन द सेंस, तू PYQ तो सॉल्व करना ही पड़ता है, जाहिर सी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि मैंने बाकी के लाला लोग को बोल दूं, मेरे एप्लीकेशन पे भी डाल के रखा है शाह कोचिंग क्लासेस। लेकिन हाँ, तूने अगर कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए होंगे बाहर के पब्लिकेशंस या फिर कुछ जिससे तुझे लगता है कि इनको भी हेल्प हो सके, सो एनीथिंग यू कैन ऐड। सर किसी पब्लिकेशन के तो नहीं किए मैंने सॉल्व, क्योंकि स्कूल के ही हमारे प्रीलिम्स चले थे जनवरी एंड तक, 5 थे इसलिए। और फिर मैंने फेब्रुवरी में क्या किया, मेरे जो किसी और कोचिंग के फ्रेंड्स थे या किसी और स्कूल के, तो उनके ही पेपर हम एक्सचेंज कर लेते थे, प्री बोर्ड्स वगैरह, तो वही सर सिर्फ सॉल्व किए। मतलब हाँ स्वाइप कर लेते थे, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो तू ले हाँ लेती थी, तेरा जो क्वेश्चन पेपर है वो उनको दे देते थे। यस सर। ओके अभी दोस्तों से याद आया, स्कूल में कुछ मेमोरीज वगैरह बनाई या फिर मतलब बस पूरा साल पढ़ाई में ही गया या फिर कुछ एंजॉय भी करना नेसेसरी है या फिर क्या, मतलब तेरे को क्या लगता है स्कूल को, अगर स्कूल लाइफ को अगर तू बस स्पेशली 10th क्लास को अगर तू बोलेगी तो इनको बोलना चाहेगी तो? यस यू विल बी शॉक टू नो बट आई वॉज अ बैक बेंचर। मैंने वाह 10th में इतना एंजॉय किया है, जितना मैंने पूरे 9 क्लास नहीं किए होंगे उतना सबसे ज्यादा एंजॉय मैंने 10th में किया। हम लिटरली हम घूमते थे बाहर, हम सब फ्रेंड्स खाना खाएंगे, और मुझे जहां तक याद है मैंने स्कूल में कभी भी लैंग्वेजेस का किसी भी क्लास में मैंने ध्यान नहीं दिया। हमें हमारे बैक बेंच पे मस्त हमारी मस्ती चलती थी फुल टाइम। और मैं कहूंगी कि इतना भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए 10th का, क्योंकि स्कूल लाइफ वापस नहीं आती, बोर्ड तो आते रहेंगे बट स्कूल लाइफ नहीं आती। यस। और उनको क्या मालूम आगे 11th 12th में क्या चीजें उनके लिए वेट कर रही है। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया आंसर दे रही है। प्रैक्टिस पेपर का तूने बोला कि स्कूल वालों से ही या फिर ट्यूशन के जो अलग अलग बंदे थे उनसे ही तू शेयर करके करती थी। उसके बाद फ्रेंड्स में हम आ ही चुके हैं, तो तेरे मम्मी पापा या फिर तेरे फैमिली मेंबर्स का क्या सपोर्टिंग रोल रहा और किस प्रकार से तुझे वो हेल्प करते थे? वैसे तो हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने परी से जितना हो सके उतना हेल्प करते ही है, बट तुझे क्या लगता है कि पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो उनको तू क्या सजेशन देना चाहेगी, और तुझे क्या लगता था कि तेरे पेरेंट्स ने तुझे कैसे हेल्प किया? सजेशन भी दे और तेरा खुद का एक्सपीरियंस भी प्लीज शेयर करना ये, क्योंकि ये बहुत हाँ मेन, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मॉरल सपोर्ट होना बहुत नेसेसरी होता है। सो या
मेरे 10th क्लास में 3 कोचिंग्स थी, तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग, साइंस मैथ इंग्लिश। पूरे टाइम मेरे पापा ने, पूरे साल भर उन्होंने ही छोड़ा है मुझे, इधर से उधर, उधर से इधर, पूरा पापा ने किया है। और मेरे पापा एकदम मेरे मेरे बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि जहां तक मुझे याद है उन्होंने कभी मुझसे प्रेशर नहीं दिया ऐसे कि हाँ तुझे पढ़ना है, तुझे 10th में इतने मार्क्स लाने हैं, कभी भी नहीं। और उन्होंने मुझे हेल्प भी की है बहुत स्टडीज में। तो अगर मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे इस चीज में। और अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगी कि किसी अपने बच्चे को किसी के साथ कंपेयर मत करो, कि उसके इतने मार्क्स है इतने, उससे डिमोटिवेशन होता है। और प्रेशर मत दो, जितना हो सके वो कर रहा है, और प्रेशर से वो जितना वो उसे आता है वो सब भूल जाएगा, और एक प्रेशर रहता है सर पे, तो वो मत करो। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया पॉइंट तूने बोला है। क्योंकि प्रेशर एक ऐसी चीज होती है जो आता है वो भी इंसान भूल जाता है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, मेरे जितने भी लालाज और लालीज अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मैं यही कहूंगा कि यार तुम बस तुम्हारा 100% देने की कोशिश करो। रिजल्ट जो आएगा वो हम देखा जाएगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि भाई कर्म करते रहो, ठीक है, फल की चिंताएं ना करो, जो होगा वो देखा जाएगा, वो मेरे हाथ में है, उसको अगर भगवान को देना है तो वो दे देगा, नहीं देना है तो आपके लिए कोई और एक बड़ी चीज आपके लिए वेट कर रही है, ऐसा समझ के हमको मूव ऑन करना है। एट द सेम वे लास्ट पॉइंट, वैसे मतलब लास्ट इन द सेंस दो तीन पॉइंट्स और है, बट ये पॉइंट पूछने में मेरे को थोड़ा हिचकिचाहट होती है। बट या मेरा हेल्प तुझे कैसा लगा, और तूने चैनल को कब से फॉलो किया, और अपना जो चैनल है स्टेट बोर्ड वाले भैया, वो चैनल ने तुझे लिटरली बताना कितना हेल्प किया है, और तेरे मार्क्स और परसेंटेज में कुछ हेल्प किया है नहीं किया है, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू शेयर यू कैन। तो स्टार्टिंग में करूंगी, मैंने चैनल को ढूंढा कैसे। तो मैं, जैसे मैंने बताया, मैं लैंग्वेजेस के क्लासेस में ध्यान नहीं देती थी स्कूल में, बट जब नवंबर आया और पता चला कि हाँ अब एग्जाम देने हैं, तो फिर याद आया कि लैंग्वेजेस का तो ग्रामर आता ही नहीं है, स्पेशली हिंदी और मराठी। इंग्लिश का तो कोचिंग से हम कर लेते हैं, बट डेफिनेटली हिंदी और मराठी का नहीं होता। तो मुझे वही मराठी के ग्रामर और लेटर राइटिंग के पैटर्न देखने थे, इसलिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। और हमारा जो चैनल है उसके नेम ने मुझे अट्रैक्ट किया। पहले तो वो भैया लिखा था, वो इतना लाइक इतना अच्छा लगा वो, इसलिए मैंने वीडियो देखा। एंड देन मुझे वो वीडियो इतना पसंद आया, मैंने फिर चैनल को एक्सप्लोर किया और फिर देखा कि आपने सारे एवरग्रीन टॉपिक्स बनाए थे, SST का भी सब कुछ बनाया था। तो वो बहुत हेल्पफुल था डेफिनेटली, क्योंकि क्या होता है, सब बच्चे डेफिनेटली SST का रट्टा ही मारते हैं, पर वो समझ नहीं आता कि क्या रटना है, क्योंकि रट्टा मार के ही आते हैं SST के तो मार्क्स। तो आप जो बताते हो कि ये ए टॉपिक में से आएंगे, एवरग्रीन टॉपिक्स है, तो उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल था। और स्पेशली हिंदी एंड मराठी के लिए तो बहुत हेल्पफुल, क्योंकि मुझे हिंदी मराठी का कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि सब कुछ वेस्ट ही किया है मैंने हिंदी मराठी के पूरे पीरियड्स क्लास में। यस यस। तो इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और एट द सेम वे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आए थे बोर्ड्स में या नहीं आए थे ये भी बता दे। बच्चे मुझे बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, भैया बोर्ड्स में आएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नहीं, या फिर ये चीजें, और एवरग्रीन टॉपिक्स आएंगे या नहीं, उसके बाद आप जो भी अपडेट्स देते हो वो सही है या नहीं। तो जो भी बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बोल दे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये चीजें बोर्ड्स में सही में आती है या नहीं आती है। सर, इनको तो आंसर मेरे SST के मार्क्स देख के, 98 देख के समझ ही आना चाहिए कि हाँ हाँ डेफिनेटली सर जो बताते हैं वही आता है क्वेश्चन में। और सर ऐसे वैसे टॉपिक्स नहीं बताते कि हाँ ये एवरग्रीन है, जो सच में एवरग्रीन है वही आते हैं और वही सर बताते हैं। तो उसको अगर आप हाँ, और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, तो आपने अगर एवरग्रीन टॉपिक्स भी कर लिए तो आप 80+ तो आराम से ला सकते हो। चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स के डाउट्स चैनल के लिए बहुत नेसेसरी था ये। और एट द सेम वे टॉपर्स का कुछ सीक्रेट तू बचाना चाहेगी कि टॉपर्स क्यों टॉपर होते हैं और एवरेज क्यों एवरेज होता है। आज तो तू रिवील ही कर दे ये चीज कि भाई तू जो टॉपर आज है तो वो किस लिए है, और जो एवरेज बच्चा है तेरे को क्या लगता है वो एवरेज क्यों है यार। मतलब देख, सबको दिमाग तो एक ही जैसा है, बट तू ऐसा क्या एक्स्ट्रा चीज करती है जो वो बच्चे नहीं करते और वो लैक हो रहे हैं पीछे। ऑनेस्टली क्या होता है ना, टॉपर को एक घमंड होता है कि अगर मैं टॉपर हूं तो मेरे आगे कोई जाना नहीं चाहिए, और उन्हें फेल्योर मतलब डाइजेस्ट नहीं होता कि कोई मेरे आगे गया।
तो वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ मुझे करना ही है और ये मेरे आगे जाना ही नहीं चाहिए। तो उस कॉन्फिडेंस से, उस एटीट्यूड से वो स्टडी करते हैं ज्यादा कि हाँ पॉजिटिव मैं एटीट्यूड, टॉपर हूँ। पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, हाँ डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड। तो उस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो छोड़ते नहीं है स्टडी करना, क्योंकि हाँ मुझे फर्स्ट आना ही है, ये होता है उनमें, सेल्फ टॉक, इसीलिए सेल्फ टॉक, टॉपर टॉपर है। सेल्फ टॉक। हाँ और जो एवरेज बच्चा होता है वो बोलता है नहीं भैया मेरे से मराठी नहीं हो रहा है, नहीं भैया मेरे से हिंदी नहीं हो रहा है, मारा इंग्लिश नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। खुद से गलत चीजें बताओ मत, खुद को गलत चीजें बोलो मत, सबसे सब कुछ होता है। अगर आज से भी मैं बोल रहा हूँ, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो आज से भी अगर आपने करना शुरू कर दिया ना भाई, 85+ तो आराम से है, मतलब आराम से। अगर बस जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से जाते रहोगे, और जैसे राधा ने बोला कि खुद को सेल्फ टॉक करना है कि हाँ मुझे ये चीज आती है, मुझे ये चीज करना है और फोड़ना है। चलो बहुत बढ़िया। और लास्ट के दो चीजें हैं, सबसे पहले तो तेरा मैं पूछना चाहूंगा कि आगे तू, अभी तुझे जो इतने अच्छे परसेंटेज मिल चुके हैं, अभी तेरा फ्यूचर में क्या प्लान्स है, कि क्या क्या चीजें तू करना है और क्या क्या चीजें तुझे एकम्प्लिश करना है कोई एक फील्ड में? मैंने साइंस फील्ड ली है अभी तो मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरा यही एम है कि आईआईटी में किसी अच्छी ब्रांच में मैं कर सकूँ इंजीनियरिंग मेरी। चलो ग्रेट। एंड एनी मैसेज टू द जूनियर्स? और लास्ट क्वेश्चन यार, ये मैसेज का तो हो ही जाएगा बट और एक चीज, कितने घंटे पढ़ाई करती थी तू? सर मैं एक्चुअली मैं सुबह पढ़ाई करती थी। 2-3 बजे मैं सुबह उठती थी, क्योंकि पूरा दिन तो वेस्ट हो जाता था ट्यूशंस हमारे में। हमारे लाला लोग तो अभी चैटिंग करके सोते हैं, 2-3 बजे चैटिंग करके सो रहे हैं। ये हमारा शेर अभी बोर्ड एग्जाम लिखेगा, ऐसा हो गया इनका। देखो लाला लोग सीखो कुछ, 2 बजे पढ़ाई करने उठती थी, ये नहीं कि चैटिंग कर रहे हो राहुल नेहा से। हाँ, और एक चीज, कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ है ये चीजों का, मोबाइल का, राहुल नेहा, ऐसा कुछ कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ है? राहुल ने हाँ तो हाँ नहीं सर, बट मोबाइल का मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं करूंगी, कहूंगी उसे। पूरे 10th में मैंने मोबाइल यूज किया है, बट अगर आप पॉजिटिव में वे में कर रहे हो यूज, तो उसका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। मेरे वरना मेरा स्नैपचैट एनी टाइम ऑन था 10th में, इंस्टा तो हर मैं टाइम अभी भी यूज नहीं वो करती। पढ़ाई की तो स्नैप डाल दिया, पढ़ाई की तो स्नैप डाल दिया है। देखो तो मैं यही बोल रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लिमिटेड वे में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो मोबाइल, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बट अगर आप देखो लोगों से कनेक्टेड होना, अभी जैसे राधा मेरे से क्यों कनेक्टेड हुई, उसके पास मेरा नंबर कैसे गया? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ओनली। ठीक है, तो हम कनेक्ट कर पाए, तो सोशल मीडिया को तुम, ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है तो तुम क्या सोचते हो, नहीं, मेरा सोशल मीडिया की वजह से पढ़ाई नहीं हो रहा है। दिक्कत ये है कि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, तुम उस चीज से एडिक्टेड हो। देखो कोई भी चीज अगर आप हद में करोगे तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई भी हद में करनी चाहिए, यस और नो राधा? पढ़ाई भी हद में करनी चाहिए, अगर ज्यादा भी पढ़ाई करोगे तो दिमाग पागल हो जाएगा एक समय पे। सो बहुत बढ़िया पॉइंट तूने बोला, और देखो ध्यान से सुनना, बाबू सोना जादू टोना, राधा ने कुछ नहीं करा था इसीलिए 98% है। ठीक ओके। एनी मैसेज, एनी मैसेज, लास्ट लास्ट मैसेज टू द जूनियर्स जो अभी 2 महीने के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन देना देने वाले हैं, उनके लिए कोई ब्रह्मास्त्र लाइन या फिर कुछ ऐसी चीज 2 मिनट में तू बोलना चाहेगी उनके लिए, जो कि उनको याद रहे और बोर्ड एग्जाम में तेरे को जरूर वो, उनको वो हेल्प हो, एनीथिंग, हाँ सजेशन? तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कहूंगी कि 10th एक टर्निंग पॉइंट है। 10th नहीं है टर्निंग पॉइंट, बट अगर आपको 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने 10th में इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्योंकि कोई भी जो कभी ऑल द बेस्ट नहीं कहता एग्जाम के लिए, वो रिजल्ट पूछने आते ही है कि कितने मार्क्स आए 10th में। या तो ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो इसके लिए आपको पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ो मत, कुछ लास्ट डेज आपके बाकी है स्कूल में, वो एंजॉय करो, क्योंकि स्कूल डेज फिर अरे वापस नहीं सुन आएंगे। सुन राधा, अभी मत बोल इनको एंजॉय कर रहे, इनने पूरा साल भर एंजॉय किया है। ठीक है, तेरे जैसे कुछ कुछ बच्चे होंगे तेरे जैसे टॉपर नहीं है बाकी के सब, उनको एंजॉय करना है, लाला लोग एंजॉय विंजॉय कुछ करना नहीं है। ठीक है, वो सब जन राधा जैसे नहीं है, बट हाँ थोड़ा फार एंजॉय कर लो यार, लेकिन ध्यान में रखना हाँ 50 दिन है बेटा, 85 दिन है इनके पास, एंजॉय करने बोलेगी ना एंजॉय कर लेंगे ये। तो बस आपको खुद के लिए पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, और अच्छे परसेंटेज लाने हैं। मैं इतना ही कहूंगी, और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।
थैंक यू सो मच राधा. सो दिस वाज राधा जो कि मेरे पिछले बैच की एक स्टूडेंट है जिनसे आज हमने अभी हमने वार्तालाप किया. और आई होप स्टूडेंट्स सभी को राधा दीदी दीदी बोलेंगे सभी जन अभी तुझे राधा दीदी की आपको सभी चीजें समझ में आई है. वैसे अगर हो सके तो मैं अगर राधा ने मुझे बोला तो मैं उसका इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे दूंगा अगर वो यूज करती होगी तो. अगर स्टूडेंट्स को हेल्प लगी तो वो शायद रीच आउट करेंगे अगर उसकी इच्छा होगी तो. एंड एट द सेम वे और एक चीज मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स सभी को कि अभी हमारे पास 50 डेज ही बचे हैं और हमको सभी चीजों को मैनेज करना आना चाहिए. और हमको जिस प्रकार से राधा ने जैसे एक ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बट राधा एक एग्जांपल है हम सभी के लिए कि चाहे कुछ भी हो भले आप कौन से भी मीडियम से आओ या फिर कोई भी चीजों से आओ बट अगर आप में दृढ़ निश्चयता होगी तो आप जरूर वो चीजें हासिल कर सकोगे. सो दिस वॉज इट. थैंक यू सो मच राधा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड आई होप ये जो कन्वर्सेशन है ये जरूर महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे देखेंगे भले 10 बच्चे देखो 15 बच्चे देखो वैसे तो ज्यादा ही बच्चे देखते बट जितने भी बच्चे देखेंगे उन सभी के लिए अगर एक की भी लाइफ इससे मतलब शिफ्ट हो गई सो आई गेस हमारा ये जो वीडियो बनाने का जो रीजन था वो सक्सेस हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच एवरी वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलता है स्टूडेंट्स अगले वीडियो में. तब तक पीस आउट.